Hello, dear students of class 11th. I am going to start a new chapter with you. I will discuss with you the new chapter written by Roald Dahl. This chapter is The Surgeon. The Surgeon के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ. एक short story लिखी गई है, तो इस कहानी का मैं introduction भी दे रहा हूँ आपको. आपको मैं ऑथर के बारे में भी बताऊंगा, और आज के इस हिस्से में मैं आपको इस वक्त सिर्फ समरी बता रहा हूं और थोड़ा सा इसका थीम दे रहा हूं. तो अगले एक या दो लेक्चर्स में मैं इसके क्वेश्चंस और इसके कंप्रहेंशन के हवाले से जो कुछ ज़रूरी बनता है वो आप तक पहुंचाऊंगा. सबसे पहले इसमें मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. तो ऑथर के बारे में मैं ये पढ़ रहा हूँ. Roald Dahl, commonly pronounced as Roald Dahl. 13 September 1916 he was born in 13 on 13 September 1916, and he died on 23rd of November 1990. He was a British novelist, short story writer, poet, screenwriter, and wartime fighter pilot. His books have sold more than 250 million copies worldwide. Dahl was born in Wales to Norwegian immigrants' parents. He served in the Royal Air Force during the Second World War. He became a fighter ace, scoring 5 confirmed victories, and subsequently an intelligence officer, rising to the rank of acting wing commander. He rose to prominence as a writer in 1940s with works for children and for adults, and he became one of the world's best-selling authors. He has been referred to as one of the greatest storytellers for children of the 20th century. His awards for contribution of literature include 1983 World Fantasy Award for Life Achievement and the British Book Awards, Children's Author of the Year in 1990. In 2008, The Times placed Dahl 16th on the list of the 50 greatest British writers since 1945. तो ये आपने देख लिया इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि रोल्ड दाल 13 सितंबर 1916 को पैदा हुए, 23 नवंबर 1990 को इनका इंतकाल हो गया. ये एक ब्रिटिश नावलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, शायर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, यानी जो स्क्रीन के लिए लिखते थे, और इसके अलावा ये पायलट भी थे, फाइटर जेट फाइटर को चलाते थे. ये इसकी किताबें जो अब तक हैं उसकी दो, यानी मान लीजिए आप 250 मिलियन जो कॉपीज़ हैं वो उसकी बिक चुकी हैं पूरी दुनिया में. दाल वेल्स में पैदा हुआ है. इसके माँ बाप जो थे वो नॉर्वे से हिजरत करके आए थे, वो उन्हीं से पैदा हुआ, और इसने रॉयल एयरफोर्स में सेकेंड वर्ल्ड वार में काम किया, और ये फाइटर यानी का सबसे बड़ा मैंने कन्फर्मड विक्ट्री जिसने की वैसे थी पायलट के, और सब्सिक्वेंटली एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के काम तौर भी काम किया, और इसकी तरक्की होते होते ये विंग कमांडर बन गया. और इसके अलावा इसने 1940 के करीब करीब ये आदमी जाना पहचाने लगा राइटर के तौर पर. यो जो इसने काम किए, इसने बच्चों के लिए भी लिखा, बड़ों के लिए भी लिखा, और इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि यह दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग ऑथर हो गया. और इसको अब तक ये भी कहा गया है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कहानी लिखने का सबसे बड़ा आदमी माना जाता है इसको. इस जो इसको इनामात मिले थे उनमें लिटरेचर में इसको 1983 में वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड फॉर लाइफ अचीवमेंट, इसी तरह से ब्रिटिश बुक अवार्ड भी मिला इसको, चिल्ड्रन ऑथर ऑफ द ईयर 1990 में मिला. 2008 में द टाइम्स ने एक लिस्ट एक बाज़ाबता तौर पे निकाली, 1945 से 2008 तक जो थे बरतानिया के सबसे ज़बरदस्त लिखने वाले सबसे बड़े ग्रेटेस्ट राइटर्स जो थे उनमें इनका नाम दहल का नाम 16वें नंबर पर था. अब आइए अब हम इस कहानी की समरी की तरफ आते हैं. डॉक्टर रॉबर्ट सैंडी हैज़ रिसेंटली सेव्ड द लाइफ ऑफ ए सऊदी अरेबियन प्रिंस, एंड एज ए रिवॉर्ड ही इज़ गिवन ए रेयर प्योर वाइट डायमंड इनसाइड ए रेड
वेलवेट क्लॉथ। डॉक्टर रॉबर्ट सैंडी ने अपने एक सऊदी अरब के एक शहजादे की ज़िंदगी बचाई है और उसके इनाम में उसको वहाँ से एक जवहर दिया जाता है, एक मोती दिया जाता है, एक लाल दिया जाता है। सैंडी इज़ अमेज्ड व्हेन हिज लोकल ज्वेलर टेल्स हिम इट इज़ वर्थ ऑलमोस्ट $1 million। तो सैंडी को बहुत हैरानगी होती है जब उसको वहाँ का एक जवहर फरोश उसे ये कहता है कि इस लाल की कीमत, इस डायमंड की कीमत कम अज़ कम $1 million, यानी $10 लाख, $10 लाख के करीब इसकी कीमत है। तो वो घर, ही रशेस होम टू शो इट टू हिज वाइफ, वो घर चला जाता है अपनी बीवी को बताने के लिए, हु इज़ जस्ट एज एक्साइट, वो भी उतनी खुश होती है। दे आर गोइंग अवे फॉर द वीकेंड, अब वो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। सो दे डिसाइड टू फ्रीज द डायमंड इनटू एन आइस क्यूब, अब वो ये करते हैं कि वो फ्रिज में रखते हैं उसको, एक आइस क्यूब में उसको फ्रीज करते हैं ताकि अगर कोई घर में चला भी आए, सो डेट लुक लाइक द आइस, और वो भी लगेगा चूँकि अब वो पानी के अंदर, बर्फ़ के अंदर होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। When they return, जब वो वापस आते हैं, they are shocked to see that their house has in fact been burgled, और वो देखते हैं कि उनके घर में चोरी हो गई है। Everything in their kitchen has been smashed, उनके किचन में हर एक चीज़ बिखरी पड़ी है, एंड थ्रोन ऑन द फ्लोर, और फिर फर्श पे छोड़ दी गई है, इनक्लूड द कंटेंट्स ऑफ द फ्रीज़र, और उसके अलावा फ्रीज़र में भी जो चीज़ें थी वो भी इधर उधर तितर बितर हो गई हैं। द पुलिस आर कॉल्ड, पुलिस को बुलाया जाता है, एंड सर्च एवरीवेयर, और वो हर जगह सर्च करते हैं, बट दे कॉन्ट लोकेट द डायमंड, लेकिन जो लाल जो है, जवहर जो है, मोती जो है, वो नहीं मिल रहा है। द नेक्स्ट डे ऑथर सर्जन एट द हॉस्पिटल इज़ ऑपरेटिंग ऑन ए यंग मैन, दूसरे दिन एक दूसरा सर्जन जो है वो वहाँ पे क्या करता है, वो एक सर्जन जो होता है वो एक जवान आदमी की सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, समथिंग लॉग्ड इन हिज इंटेस्टाइन, क्योंकि कोई चीज़ उसके उसकी आंतों के अंदर फंसी हुई है। ही एंड वन ऑफ द हॉस्पिटल थिएटर सिस्टर्स टेक इट टू द लोकल, अच्छा टू द सर्जन अमेजमेंट इट इज़ ए ब्यूटिफुल डायमंड, लेकिन वो बड़े हैरान हो जाते हैं वो, और एक वो देखते हैं कि उसकी उसके पेट के अंदर वही एक मोती चला गया है। ही एंड वन ऑफ द हॉस्पिटल थिएटर सिस्टर्स टेक इट टू द लोकल ज्वेलर, वो और वहाँ की उस अस्पताल की एक सिस्टर जो है वो एक लोकल जवहर फरोश के पास उस चीज़ को ले जाते हैं। द ज्वेलर रिकॉग्नाइज्ड इट, ज्वेलर उस मोती को देखकर पहचान जाता है, एज इट वॉज रेयर डायमंड एट डॉक्टर सैंडीज, एंड कॉल्स द पुलिस, क्योंकि उसको पता है कि ये डॉक्टर सैंडी के पास कहाँ से आया है, और वो पुलिस को फ़ोन करता है। अच्छा, सैंडी इज़ ऑल्सो नोटिफाइड, वो सैंडी को भी बुलाता है, एंड बाय द टाइम ही गेट्स टू द शॉप, और तब तक जब वो दुकान पर पहुँचते हैं, द सर्जन एंड सिस्टर आर बोथ इन हैंड कफ्स, सर्जन और सिस्टर दोनों को हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं। सैंडी रिकॉग्नाइजेज हिम, सैंडी जो है, सैंडी उसको उनको पहचानता है, एंड टेल्स हिम देयर स्टोरी, और वो उनको अपनी कहानी बताता है। ही हैज़ द पुलिस रिलीज देम, वो पुलिस से कहता है कि इनको छोड़ दीजिए, एंड टेल्स देम टू हेड टू द हॉस्पिटल टू अरेस्ट द रिकवरिंग थीफ, और उनसे कहता है चलिए हम देखते हैं कि जो वहाँ पे वो ठीक हो रहा है पेशेंट जिसका ऑपरेशन हो गया है और वही चोर है। आफ्टर फाइंडिंग नथिंग, और लेकिन वहाँ पे जब वो पूछते हैं उनको पता भी नहीं चलता है, यंग होलीगन हैज़ इविडेंटली मेड हिमसेल्फ ड्रिंक इन द डॉक्टर सैंडीज हाउस, ये जो वो जवान चोर है वो चोरी के बहाने से भी नहीं आता है बल्कि वो खाने पीने की चोरी के है, और उसने वहाँ पे कोई चीज़ पी ली है, एंड इविडेंटली मेड हिमसेल्फ ड्रिंक इन डॉक्टर सैंडीज हाउस, और वो ज़ाहरी तौर पर खाना चोरी करते हुए डॉक्टर सैंडी के मकान में घुस गया है। एंड ही हैज स्वेलोड द डायमंड थिंकिंग दैट इट वॉज आइस, और वो उस डायमंड को भी स्वेलो करता है, ये समझता है, वो उसको निगल जाता है, ये समझता है कि ये भी बर्फ़ ही है, ठीक है ना। नाउ थीम ऑफ द स्टोरी, द शॉर्ट स्टोरी, द सर्जन हाईलाइट्स द मेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनक्यूजिट एंड सस्पिशियस बिहेवियर, द मियर सस्पिशन ऑन समबडी डज नॉट मीन दैट द सस्पेक्टेड इज गिल्टी, द ह्यूमन ट्रेट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग लीड्स टू क्लियर द डाउट्स, बट टिल देन द सीरीज ऑफ अनवेलकम इवेंट्स टेक प्लेस, यानी शॉर्ट स्टोरी जो है सर्जन, ये इस चीज़ को दर्शाती है कि इंसानी खासियत जो है कि वो एक दूसरे पे शक करते हैं, उनके अंदर तजस्सुस होता है, लेकिन किसी पे शक करना उस आदमी को चोर नहीं ठहराता है, बल्कि इंसान के अंदर एक चीज़ जो उसको एक हिस मिली है किसी चीज़ की तहकीकात करने की, वो कभी कभार जा करके शक दूर कर देती है, लेकिन तब तक
कुछ नाखुशगवार वाक़ जो होते हैं वो पेश आए हुए होते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल बी विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। टिल देन हैव टेक केयर, गुड बाय।